सो वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग गाइस, हमारे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और गाइस, काफ़ी टाइम से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, उसका मतलब देख लो, आज पता चलेगा भेद खुल जाएगा। फिर से हमने घर खाली कर दिया और फिर वो दिन बहुत बुरा दिन आ गया हमारे सामने। देखो, बहुत मुश्किल से सजाया था और फिर से देखो हम अपने घर को तोड़ रहे हैं। ये एक कोना मैंने अपने हाथों से सजाया था दोस्तों। ये हमारा डेली रूटीन बोर्ड जहाँ पे हम सब कुछ लिखते थे। नहीं, यहाँ नहीं, पे हमने नहीं, ये काला चिट्ठा बोर्ड है जिसपे हमने अपने सारे बुरे कर्म लिखे हैं। उतार के रखी हुई है एक एक चीज, हम इतनी मुश्किल से लेके सजाते हैं। और मकान वाली के रेंट खाली कर, मतलब कि रूम खाली करवा देता है हर 3 महीने। शीशे में बार बारी में अपना मुंह देख के एक दूसरे सजाया करता था और देखता था कि आज कोई पट जाएगी। ये है हमारी सीढ़ी जो बहुत ही वंडरफुल है। यहाँ पे पूरा दोस्तों हमारा घर देखना है। ये देखो, ये है मेरा पूरा घर। ये उसकी किचन आ जाती है दोस्तों, जहाँ पे हम रह रहे थे। और ये किचन बहुत बड़ी है और यहाँ पे हम दोनों मिलके बहुत ज्यादा बर्तन धोया करते थे और ये जूठा करा करती थी, मैं साफ किया करता था। बिल्कुल। और ये देखो हमारा सबसे पहला घर, सबसे ये हमारा रूम था ये वाला। फिर मकान मालिक ने 3 महीने के बाद ये खाली करवा दिया था, फिर हम उसमें छोटे वाले में शिफ्ट हो गए थे। मकान मालिक ने बोला पीछे घुड़ो, हम पीछे घुड़े, उसने बम्पे तेज से लैट मारी। मकान मालिक ने नहीं बोला, एक्चुअली इसका रेंट जो था वो काफी ज्यादा था, तो हमने सोचा कि हम दूसरा वाला ले लेते हैं। तो उसका दूसरा लिया था ना, उसका कम था। और ये थी उसकी छत दोस्तों, छत आप देख सकते हो, हम सारा दिन छत के ऊपर कूदते रहते थे, इधर उधर उधर। ये है दो बाथरूम, ये हमारा हगास जो कि हमारी पर्सनल जगह है, हगास एरिया, हम दोनों का पर्सनल। ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और ये उसकी सीढ़ी आ जाती है दोस्तों। ये थर्ड फ्लोर बना हुआ था, यानी 3 मंजिल बना हुआ था। तो हम थर्ड फ्लोर पे पापा रहते थे और ये सेकंड पे हम रहते थे और नीचे कोई और रहते थे, हमारे मतलब हमारी फैमिली है। और ये हमारे भगवान जी को हमने किस तरह पैक कर रखा है दोस्तों। और इस तरह की चीज़ हम सोच रहे हैं कि कैसे दूसरे घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि पैकिंग करना भी आपको पता ही है वो इतना ईजी तो नहीं होता। ये देख सकते हैं मेरा आटे का डिब्बा, ये वो डिमका फ्ला। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग भी इतना ज़्यादा टाइम मतलब बिजी होने के बाद भी आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।